शैली में कवि रहता है मुनव्वर राणा, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। उन्होंने एक कविता लिखी मुझे बहुत पसंद आई, किसी के हिस्से में दुकान आए, किसी को घर आए, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में। दीवार का डायलॉग गलत है, जो मुख में शशि कपूर के मुख में होना चाहिए हकीकत में वो अमिताभ के मुख में होना चाहिए। ठीक है, वो तो सब एक्टिंग की बात है। अच्छी अच्छी सेलिब्रिटी अपनी माँ के आशीर्वाद से ही ऊपर गई। अरे खुद महावीर भगवान महावीर का पहला संदेश कौन सा था यदि पूछा जाए तो कौन सा होगा पता है? प्रैक्टिकल संदेश। 42 साल के बाद भगवान ने समवसरण पर बैठ के जो संदेश दिए उससे भी पहले भगवान ने 12.5 साधना साल में साधना के द्वारा दिए, और उससे भी पहले जब संसार में थे तब दिए, और उसके भी पहले माँ के कोख में थे तब। कौन सा था संदेश? मैं हिलूंगा चलूंगा तो मेरी माँ को पीड़ा होगी, मैं नहीं हिलूंगा। और महावीर स्थिर हो, तीर्थंकर की आत्मा यदि माँ की इतनी भक्ति करते हैं, हम उन्हीं के अनुयायी होकर के पूरे दिन में एक बार माँ के चरणों में प्रणाम भी ना करें। आज भी सुबह उठ करके हम हमारे माँ बाप को रोज याद करते हैं। हमने सारा संसार छोड़ दिया, माँ बाप को भी छोड़ दिया, लेकिन ये लेने के बाद भी माँ को बाप को याद करते, क्योंकि यहां तक पहुंचाने वाली माँ के संस्कार थे, नहीं तो हम भी यहां तक नहीं होते। हमारे बड़े गुरुदेव भुवन भानु सूरी महाराज जब 21 दिन की शिविर करते, उसमें एक तो प्रवचन माँ बाप के लिए देते और उसमें अंत में सभी को एक प्रतिज्ञा देते, माँ बाप को प्रणाम। मुझे बहुत सारी बहुएं कहती है कि महाराज साहब सुबह में प्रणाम करने का और शाम को, इसका मतलब क्या? मैंने कहा दोनों चालू रखो, हम देखते हैं कौन जीतता है, देखते हैं कौन जीतता है। और आखिर में एक दिन माँ का चरण स्पर्श ही जीत गया। गुरुदेव जब ऐसी प्रतिज्ञा देते, मटुंगा के दो लड़के थे, दोनों शिविर में से घर आए, शाम को 4 बजे का समय था, दोनों अपने घर पहुंचे, दरवाजा खुला, बाप सामने ही बैठा था, बाप को देखते ही गुरुदेव की प्रतिज्ञा याद आ गई, दोनों चरण स्पर्श करने गए। बाप कलकत्ता का बंगाली था, बंबई में रहने आया था लेकिन बंगाली खून था, पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? गुरुदेव ने समझाया कि माँ बाप उपकारी है, रोज चरण स्पर्श। क्या बात है? पकड़ ढीली हो गई, खड़े रहो, अभी तुम्हारे चरण स्पर्श लेने के लिए मैं लायक नहीं हूं, खड़े रहो। और ये बाप खुद खड़ा हुआ, अंदर गए, अपनी मां सोई हुई थी 80 साल की, मां के चरण स्पर्श खुद नहीं। कोई शिविर की जरूरत नहीं पड़ी। अभी कहा ना, एक बेटा जब बाप को देखता है ना, फिर बेटे को कोई सलाह सूचन देने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ ने पूछा कौन है? माँ तेरा बेटा, क्या कर रहा है? चरण स्पर्श। क्यों? आज तेरा जन्मदिन है, क्योंकि हम जन्मदिन को ही प्रणाम करते हैं, बाकी तो माँ याद ही नहीं है। मदर्स डे। अब सुनना, ये बाप ने क्या कहा माँ को? बाप ने कहा, हाँ माँ, आज मेरा जन्मदिन है, 50 साल पहले तूने जन्म दिया था, आज मेरे दो बेटों ने मुझे जन्म दिया है। माँ आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देने के बाद वो बाप बाहर आया और फिर बेटों से कहा, अब आप चरण स्पर्श कर सकते हो। चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने पूछा, वो तुम्हारे गुरु कौन है, जरा लेके जाओ। नास्तिक था और गुरु के पास लेके गए। गुरु के प्रवचन सुनते 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 आप मानोगे? दीक्षा ले। एक समय का नास्तिक
बेटों ने सिर्फ चरण स्पर्श किया, चारित्र जीवन तक पहुंचा दिया। आइए, समय कम है इसलिए यहां मैं विराम दूंगा। मेरी पांच बात बराबर याद रखिए, ये माँ बाप है सुख का, समय का, संपत्ति का, स्वास्थ्य का और श्वास का, पांचों का जो बलिदान दे दे माँ बाप है। आज ये दो बेटों, एक और विमल भाई है, एक और चंदन भाई है, वो भी छरी पालता संग निकाल करके दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। माँ सुखी भाई का जो ऋण है ना, उनमें से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। 25 साल पहले लेटा में जब आचार्य सुशील सूरी महाराज थे, तब माँ सुखी बाई ने एक सपना संजोया था कि मैं जब ताकत आएगी तो छरी पलता संखेश्वर दादा का संग निकलवाऊंगी। और माँ संग निकाले उसके पहले स्वर्ग में चली गई। लेकिन 25 साल तक ये विमल जी, ये चंदन भाई ने माँ का सपना दिमाग के अंदर अपना के रखा था, और आज यह मंगल घड़ी आई, आज दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो माँ के ऋण में से पूर्ण होने का, मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए आज के दिन यह मातृ वंदना का कार्यक्रम रखा है। आइए 10 मिनट के लिए नीलेश भाई, सातों बच्चों और उनकी पत्नी किस तरह से माँ बाप के चरणों में प्रणाम करेगी, आशीर्वाद लेंगे, यह देखेंगे और फिर प्रवचन को विराम।